हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज आपको घर बैठे पासपोर्ट बनाने का तरीका बताने वाले हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ही अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं से भी डॉक्यूमेंट अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अकाउंट से ही डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं और पासपोर्ट कार्यालय में बार बार चक्कर काटने के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप गूगल में पासपोर्ट सेवा सर्च करने के बाद पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर हम आ जाएंगे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे, फिर कट करेंगे नोटिफिकेशन, फिर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे, पहला नाम और मिडिल नाम लिख सकते हैं पहले ऑप्शन में, फिर अपना सरनेम लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे और ध्यान रखेंगे कि अपना ईमेल आईडी को ही यूजर के रूप में रजिस्टर्ड करेंगे, इसलिए वहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। कंफर्म पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक और कैपिटल और स्मॉल और नंबर होना चाहिए। हिंट क्वेश्चन में हमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे बर्थ प्लेस ETC, तो हम वहाँ हिंट क्वेश्चन भी डालेंगे। हमें यह ध्यान रखना है पासपोर्ट भरते समय कोई भी इंफॉर्मेशन हम गलत नहीं डालेंगे, सावधानी से सारा डिटेल भरेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम फिर कैप्चा इंटर करेंगे, सावधानी से कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखते हुए कैप्चा इंटर करेंगे और फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। पोर्टल से हमें 7 दिन का मौका होता है हम अपने ईमेल आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकें। फिर हम अपने ईमेल पे लॉगिन करेंगे और फिर वहां देखेंगे पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से हमें एक लिंक गया होगा। हम लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर यूजर आईडी डालने के साथ ही अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिव हो गया है। फिर हम क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर अपने नए बनाए हुए यूजर आईडी से, जो कि हमारा ईमेल आईडी है, उससे लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और फिर जैसे नेक्स्ट पेज आएगा तो हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा डालेंगे और फिर लॉगिन प्रेस करेंगे। लॉगिन प्रेस करने के बाद हम अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे और एक नया वेब पेज खुलेगा। वहाँ पे हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ सामने दिखेगा, यहाँ पे हम क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पर हम फ्रेश पासपोर्ट और टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल और फिर 36 पेज का बुकलेट टाइप या फिर 60 पेज का सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और फिर हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। हम फिर से अपना नाम डालेंगे फर्स्ट नेम के साथ, अगर मिडिल नेम भी है तो हम एक ही साथ दोनों डालेंगे। फिर हम अगले कॉलम में अपना सरनेम डालेंगे, फिर हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अगर किसी अन्य नाम से नहीं जाने जाते हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने कभी नाम नहीं चेंज कराया, नो सेलेक्ट करेंगे। फिर हम ड्रॉप डाउन मेनू से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास पैन कार्ड उपलब्ध है तो हम अपना पैन नंबर डालेंगे। अगर वोटर आईडी हमारे पास उपलब्ध है तो वोटर आईडी डालेंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वोटर आईडी में अगर हमारा सारा डिटेल सही है तभी हम वोटर आईडी डालेंगे। आगे हम एम्प्लॉयमेंट आईडी में अपना नियोक्ता के बारे में डिटेल सबमिट करेंगे, जैसे सरकारी नौकरी है तो गवर्नमेंट, PSU है तो PSU या फिर अदर्स या फिर स्टूडेंट, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम किसी संस्था में कार्यरत हैं तो उस संस्था का नाम डालेंगे। उसके बाद अगर हमारे माता या पिता किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तो उसको यस करेंगे या फिर नो करेंगे। फिर अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ECR और नॉन ECR
हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ होता है। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। अगर हमने 10th क्लास या उससे ऊपर की पढ़ाई की हुई है तो हम ECNR कैटेगरी में आएंगे, मतलब इमिग्रेशन हमारा जांच रिक्वायर्ड नहीं होगा। फिर हम अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर एग्री पे क्लिक करेंगे। हम अपना डिटेल्स सेव कर देंगे ताकि हमारा डिटेल सेव हो जाए और फिर नेटवर्क इशू होने पर हमें दिक्कत ना हो, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमें अपने फादर या फिर लीगल गार्जियन का नाम डालना है। ध्यान देंगे कि फर्स्ट नाम के साथ मिडिल नेम होगा तो वो भी डालेंगे, फिर सरनेम डालेंगे, फिर अपनी माता का पहला और मिडिल नेम एक साथ डालेंगे और फिर सरनेम डालेंगे। माता या पिता नहीं है तो फिर लीगल गार्जियन का नाम डालेंगे। अगर हम शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस का नाम डालेंगे और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें और भी डिटेल्स डालना है, जैसे हमारा एड्रेस, भारत के बाहर वाले एड्रेस में हम नो करेंगे। इसके बाद हम अपना प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे हम पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस डालेंगे। फिर अपना विलेज, टाउन या सिटी डालेंगे। उसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, ज़िला सेलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन नज़दीकी जो है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे और फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। अगले कॉलम में हम ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अवेलेबल में यस करेंगे। फिर अगर हमारा करेंट रेजिडेंस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो फिर हम यहाँ पे नो करेंगे और फिर अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे बारी बारी से डालेंगे। अपना घर का एड्रेस, फिर अपना गांव शहर डालने के बाद अपना पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर डालेंगे। ऑलवेज ही हर पेज पे हम सेव माय डिटेल्स डालते हुए नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। SMS अलर्ट के ऑप्शन में हम यस करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रेस करेंगे, हमें एक नया पेज दिखेगा। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए हम अपने किसी परिवार या रिश्तेदार का नाम और नंबर के साथ में ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में नो करेंगे, फिर करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल करेंगे, फिर हैव यू एवर अप्लाइड इन पासपोर्ट में नो करेंगे और फिर सेव माय डिटेल्स के बाद नेक्स्ट बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम सारे ऑप्शंस में नो करेंगे, बशर्ते कि हमने कुछ ऐसा ना किया हो जब या तो हमारा पासपोर्ट डिनाई ना हुआ हो या फिर हमारे खिलाफ कोई मामला ना हुआ हो। नेक्स्ट पेज में हमें पासपोर्ट के डेमो साइज में सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जहाँ पे केवल हमारी तस्वीर और हमारा सिग्नेचर नहीं होगा। फिर हम सारा डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा और फिर अपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। याद रहे, हम यहाँ पे मैनुअली अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, साथ ही डिजी लॉकर से भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसमें डिजी लॉकर के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको दिखाएंगे। फिर हम ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने पॉपअप में एक नया वेब पेज खुल जाएगा जहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डिजी लॉकर में आपका अकाउंट हो तभी यह प्रोसेस आपके लिए है। फिर हम अपना पिन डालेंगे और फिर OTP आएगा, OTP डालेंगे और फिर एक्सेस ग्रांट करेंगे। आगे हमारे सामने डिजी लॉकर में सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, उन डॉक्यूमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्सेप्ट बटन पर प्रेस करेंगे। अलाउ बटन पर प्रेस करने के साथ ही हमारा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड हो जाता है। फिर इसी माध्यम से हम अपना रेसिडेंस एड्रेस भी अपलोड करेंगे। अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लेना होगा, उसके बिना आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद हम अपना प्लेस और डेट डालेंगे और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे और फिर अपने आवेदन में सारी डिटेल्स को चेक करेंगे। हमारा सारा डिटेल्स ठीक होगा तो फिर हम अपने डिटेल्स को प्रिंट कर लेंगे और फिर अपने आवेदन को हम सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के साथ ही हम देखेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, और उसके बाद हम वापस व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलने के बाद हम फिर से अपना आवेदन सिलेक्ट करेंगे, और आवेदन सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पे एंड शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद ही एक नया पॉपअप से नया पेज खुल जाए। फिर सामने एक वार्निंग आएगा कि हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया हुआ है। हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए नए पेज में अपना नज़दीकी PSK ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कैप्चा इंटर करेंगे, और फिर उपलब्ध शेड्यूल के हिसाब से हम अपना अपॉइंटमेंट चुन लेंगे। बटन प्रेस करने के बाद हमें एक नया ऑप्शन दिखेगा, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। उसके बाद हम वो क्लिक करने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन आएगा, और फिर ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद हमें बैंक के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे हम UPI सिलेक्ट करके हम अपना पेमेंट पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा करने का अलग अलग तरीका है, आप QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट पूरा होने के बाद आप वापस पासपोर्ट पोर्टल पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन नंबर नोट कर लेंगे, फिर वापस हम अपने आवेदन को सिलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर पेमेंट रिसिप्ट की रसीद के लिए प्रिंट पेमेंट रिसीट करेंगे। फिर इसको हम सेव करके रख लेंगे, और इसके बाद हम आवेदन को जनरेट करेंगे। आवेदन का प्रिंट आउट लेने के साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेकर पासपोर्ट कार्यालय जाएंगे। याद रहे, अगर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम मैन्युअली भी उसका जीरोक्स कॉपी लेकर जा सकते हैं। पासपोर्ट कार्यालय में आसानी से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाता है। पासपोर्ट कार्यालय जाते समय हम सारे प्रमाण पत्र मूल रूप में और जीरोक्स कॉपी में, जैसा कि मैंने पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आपको बता दिया है। ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको अपने आवेदन की हार्ड कॉपी प्रिंट करवानी होगी। प्रिंट करवाने के बाद आपने अगर सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दिया है, तो उसका ओरिजिनल कॉपी अपने साथ रखना होगा। अगर आपने अपलोड नहीं किया है, तो उसका जेरोक्स कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ रखना होगा। और फिर उसको लेके आपको जिस दिन शेड्यूल अपॉइंटमेंट आपको मिला हुआ है, उस दिन आप पासपोर्ट कार्यालय में ले जाकर उसको वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने से पहले, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पे आया हुआ SMS जिसमें आपका अपॉइंटमेंट टाइम दिया हुआ होगा, वह गेट पर आपको दिखाना होता है। आवेदन भरते समय आपके द्वारा की गई सावधानी के बावजूद भी अगर आपने कोई गलती कर दी है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पासपोर्ट कार्यालय में जाने के बाद वहाँ पे आवेदन दे सकते हैं, और फिर एडिट का ऑप्शन ओपन करवा सकते हैं। आप पुनः एडिट करने के बाद नया अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर पासपोर्ट कार्यालय में अपना डॉक्यूमेंट फिर से जमा कर सकते हैं। आप अपने अपॉइंटमेंट को 2 बार रीशेड्यूल करा सकते हैं। आपके द्वारा किया गया पेमेंट 1 साल के लिए वैध होता है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जब आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है, उसके बाद पासपोर्ट कार्यालय से आपके नज़दीकी थाने में इंक्वायरी से संबंधित एक सूचना जाती है। फिर आपके नज़दीकी थाने द्वारा इंक्वायरी पूरी कर ली जाती है, और फिर पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और 3 से 4 दिन में आपके घर पे पासपोर्ट मिल जाता है। वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।